तारीख 13 जून साल 2023, दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, TV9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज करते हैं बेबाक दो टूक खरी खरी बात, चीन और पाकिस्तान की घिनौनी जुगलबंदी की। बेबाक बात पाकिस्तान में चीन की छत्र छाया में पाले पोसे जा रहे आतंकवाद की। आतंकवाद को लेकर ड्रैगन के उस दोगलेपन की बात जो आइंदा दुनिया के लिए बन सकती है बड़ी मुसीबत। बीते कुछ वक्त पहले दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। भारतीय विदेश मंत्री ने यह बात ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में बेबाकी के साथ रखी थी, तब दुनिया सकते में आ गई। जयशंकर ने पाकिस्तान पर तो हमला बोला ही, साथ ही साथ उन्होंने ब्रिक्स के महत्वपूर्ण देश चीन को भी साफ साफ सब कुछ बता समझा दिया। एस जयशंकर ने आतंकवाद के लिए हो रही फंडिंग के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात तो दोहराई ही, उन्होंने कहीं ना कहीं चीन को भी दो टूक समझा दिया कि वो जिस तरह से दबे पांव पाकिस्तान में आतंकवाद को पाल पोस रहा है वो भारत सहित दुनिया भर की नजर में है। भारत चीन पाकिस्तान संबंधों के विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को लेकर चीन का रवैया दोगलेपन से भरा है, साथ ही उसकी मंशा ब्रिक्स के उस वायदे को पूरा करने में भी मुश्किलें पैदा करती है जो आतंकवाद को खत्म करने से जुड़ा है। जिक्र जब चालबाज चीन और मक्कार पाकिस्तान का हो तो यह बताना जरूरी समझता हूँ कि हाल के ही कुछ साल में चीन ने हर बार उस आतंकी को ब्लैकलिस्ट करने वाले फैसले के बीच में रोड़ा या अपनी टांग अड़ाई है जिसे पाकिस्तान में पाला पोसा जा रहा हो। चीन पाकिस्तान का सदाभार मगर दुनिया में पाकिस्तान का सबसे मक्कार दोस्त भी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र खुलकर कह दिया, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान और बेहया चीन के ऊपर इस कहे का शायद ही कोई असर हुआ हो। यह घिनौनी कहानी उसी पाकिस्तान की पोल खोलती है जहां पल रहे हैं भारत और दुनिया भर के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम से दुनिया भर के खूंखार मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। उल्लेखनीय है कि चीन कई बार यूनाइटेड नेशंस में प्रतिबंधित होने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े प्रस्ताव में रोड़ा अटका चुका है। अक्टूबर साल 2022 में यानी बीते साल ही उसने ऐसे ही एक प्रस्ताव को तब अटकाया था जब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना था। 4 महीने में चौथी बार था जब चीन ने यूएन के मंच पर आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिशों में रोड़ा अटकाया। चीन की मदद से ही पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल पाया था। चीन से मिलती इसी अंधी शह पर दोस्त पाकिस्तान का भी जोश बढ़ता जा रहा है इस गलतफहमी में कि चीन पाकिस्तान के साथ आंख मूंद कर खड़ा है। पाकिस्तान मगर भूल जाता है कि चीन ही दुनिया में वह पहला और आखिरी देश है जो सिर्फ और सिर्फ दोस्त के ही बदन में खंजर भी भौंकने के लिए जमाने भर में बदनाम है। चालबाज चीन और मक्कार पड़ोसी पाकिस्तान की करनी और कथनी में फर्क को उजागर करती पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज बस इतना ही। बुधवार रात मेरे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान के लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बेबाक बात लिखकर TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।